वीडियो छोटा सा होने वाला है, आप देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर डिस्चार्ज लाइन पे आइस आ रहा है तो फिर समझ लीजिए कि गैस कम होता है, लेकिन अगर सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है तो इसके कई रीज़न होते हैं, ध्यान में रखिए, इसके कई रीज़न होते हैं अगर सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है तो। अब रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, मैं कई वीडियो में बना चुका हूँ इसके ऊपर, लेकिन छोटी सी जानकारी देने वाला हूँ क्योंकि मेरे सामने एसी पड़ गया, इसलिए मैं सोचा कि अब भी इसको वीडियो लाइव में दिखा देता हूँ, क्योंकि ये एसी इस समय चल रहा है, वर्किंग पोजीशन में है, एसी चल रहा है। सक्शन लाइन पे अगर आइस आता है तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए इंडोर में जो एयर फिल्टर लगा होता है, एयर फिल्टर को पहले चेक करना चाहिए कहीं एयर फिल्टर गंदा तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा डस्टी है, बहुत ज़्यादा गंदा है, उसके वजह से इस तरह का प्रॉब्लम होता है, इस तरह का आइस जमता है। एयर फिल्टर हमने चेक कर लिया, ब्लोअर चेक करना है कि ब्लोअर की स्पीड कम तो नहीं है, अगर ब्लोअर की स्पीड स्लो होगी तो भी ऐसा होगा। अगर कूलिंग कॉइल भी गंदा होगा, फिल्टर गंदा होता है, कभी कभी फिल्टर को पार करके धूल मिट्टी चला जाता है कूलिंग कॉइल तक, कूलिंग कॉइल गंदा है तो उसके लिए भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। ये पाइप तो नीचे गिर गया है, लेकिन पाइप से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गैस पास हो रहा है। सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है, अगर पंच होता तो दोनों पे आइस आता, लेकिन एक बिल्कुल सही है, लिक्विड लाइन सही है, केवल सक्शन लाइन पे ऐसा हो रहा है कि आइस जमा हुआ है। ये हो गया अगर कूलिंग कॉइल गंदा है उसकी वजह से ऐसा होता है। अगर पंपिंग अगर डाउन होती है कंप्रेसर की तो भी ऐसा होता है, लेकिन ये कंप्रेसर की पंपिंग डाउन नहीं है मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट में मैं काम करता हूँ। जब ज़्यादा दिन हो जाता है तो फिल्टर डस्टी हो जाता है, फिल्टर गंदा हो जाता है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी, पंपिंग डाउन होता है या तो अगर कैपिलरी चोकिंग की वजह से ऐसा नहीं होता है, पंप डाउन होता है कंप्रेसर का तो ऐसा होता है। पंपिंग कैसे चेक की जाती है कंप्रेसर की, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं किस तरह से रोटरी कंप्रेसर, ब्रिस्टल कंप्रेसर का पंपिंग चेक किया जाता है। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसके साथ में चेक कर लेना चाहिए कंडेंसर गंदा तो नहीं है, कंडेंसर गंदा है लेकिन ये चलेगा, कंडेंसर गंदा से इतने से नहीं होता कुछ भी, कंडेंसर सही है, बस इतना सा प्रॉब्लम होता है इसी से में।